मुंबई। सुपरस्टार फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत की गुत्थी मुंबई पुलिस 22 साल बाद भी नहीं सुलझा पाई है। दिव्या भारती की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। आज शीना मर्डर मिस्ट्री ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। ठीक वैसे ही 22 साल पहले दिव्या भारती की मौत ने देश को झकझोर दिया था, जिसको 22 साल हो गए लेकिन पुलिस आज तक उसकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत की खबर फैली तो उनके करोड़ों फैंसों की आंखें गीली हो गई थी। दिव्या भारती को लोग प्यार से गुड़िया भी कहते थे। महज 19 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली दिव्या भारती कम समय में ही युवाओं के दिल की धड़कन बन गई थी। उनकी खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों का दिल मोह लिया था। फिल्म दीवाना में उनकी मासूमियत के तो लोग कायल हो गए थे। इसी बीच अपने ही घर में दिव्या की रहस्यमय मौत हो गई। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 में तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से की थी। 20 मई 1992 को बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। दिव्या भारती की दीवाना फिल्म काफी सुपरहिट गई थी, जिसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्ट्रेसेस का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दिव्या भारती ने करीब 14 हिंदी और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की हैं। ज्यादातर फिल्में 1991 से 1993 के बीच की हैं। फ्लैट की खिड़की से फिसलकर गिरने से 3 अप्रैल 1993 को दिव्या की रहस्यमय मौत हो गई, जिसे पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि दिव्या भारती की शराब के नशे में बालकनी से गिर जाने से मौत हुई है। वहीं कुछ लोगों ने दिव्या भारती की मौत को हत्या बताया था और इस हत्या का शक उनके पति साजिद नाडियाडवाला पर था। ज्ञात हो कि दिव्या की मौत के समय साजिद फिल्म लाडला शुरू करने वाले थे। बाद में इसमें श्रीदेवी ने काम किया। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी दिव्या की मौत आज भी मिस्ट्री है। पुलिस फाइल बंद कर